अपने आसपास हम जिन्हें देखते हैं जरूरी नहीं वो लोग वैसे ही हों जैसा कि वो दिखते हैं। कई बार इंसान का असली चेहरा बहुत घिनौना होता है और हाल ही में मेरा सामना एक ऐसे इंसान से हुआ। इस वीडियो के साथ मैं सारे सबूत भेज रही हूँ ताकि अगर कल को मैं ना रहूं तो तुम इस वीडियो के जरिए दुनिया को सच बता सको। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। गुनाह के खिलाफ आवाज उठाना हर किसी के बस का नहीं होता, और एक ऐसा गुनाह जो दूसरों के साथ हो रहा हो तो लोग अक्सर यही सलाह देते हैं कि दूर रहो, क्या फायदा दूसरों के पचड़ों में फंसने का। लेकिन रितिका की फितरत हटके थी। वो कोई पत्रकार नहीं थी, एक आम इंसान थी, लेकिन कुछ खास करना चाहती थी। वो अपने अतीत को भूलकर अपना वर्तमान संवार रही थी, लेकिन अचानक से वो कुछ ऐसे अंधेरों में खो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और पुलिस के लिए ये केस किसी चुनौती से कम नहीं था। क्या हुआ? नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, चलो लिखो लिखो लिखो। हाँ शाबाश। हाँ वन जी रौनक मल्होत्रा। हाँ सर, आपका पार्सल। ये लो आपके पास। हाँ एक सेकेंड। नहीं चेंज रख लो आप, चलो। क्यों रहा है? तुझे पता कैसे होने के लिए? चुप चुप चुप। तेरे पास तो आ गया ना, चलो पास तो खाएगा अपन। हाँ नहीं रोते नहीं रोते नहीं, नहीं। खाओ 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 चबर चबर खाओ। हाँ खाओ, अच्छे बच्चे हो आप, खाओ 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 कर रहा है। ओ मैडम, हमने तो कोई खाना ऑर्डर नहीं किया आज।
नहीं नहीं आज हम खाना बाहर जाके करने वाले चल अभी बाहर चल बाहर चल मैंने कहा था ना कि इस घर में ना शराब आएगी और ना तुम्हारा ये दोस्त अरे कोई बात नहीं ज्ञान टेक इट इजी भाभी जी मिल नहीं 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 मैं तेरे से मिलूंगा कृतिका तूने मेरे दोस्त की बेइज्जती की है और तुम भी तो बेइज्जती कर रहे थे मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे मेरी अरे खिल्ली तो मेरी उड़ती है जब लोगों को पता चलता है कि मैं डिलीवरी गर्ल का पति हूँ जब मैं घर में थी हाउसवाइफ थी तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी अब जब मैं बाहर जाके अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गई हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम तो दो कोड़ी की नौकरी की बहुत अकड़ है ना तुझे चपड़ नहीं करना ज्ञान अगर तुम मेरा फोन नहीं उठा सकते तो कम से कम मैसेज करके इतना बता दो कि तुम घर आओगे कि नहीं मैम दूध दूध आप कौन है भैया हमारे यहाँ तो राकेश भाई देने आते हैं वो क्या है ना मैम राकेश कुछ दिनों के लिए गांव गया हुआ है और थोड़े दिन मैं ही आऊँगा मैम वो पतीला लाइए ना हाँ मैं लेकर आती हूँ रितिका रितिका हाँ अरे जी अंकल जी काजल को बुलाओ ना काजल ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हो काजल कल रात ही तो तुम्हारे यहाँ सोने के लिए आई थी हाँ अंकल वो आई थी ना लेकिन सुबह जल्दी उठकर चली गई चली गई कहाँ चली गई घर पर तो पहुंची नहीं अभी तक मॉर्निंग वॉक के लिए गई होगी अंकल आप चिंता मत कीजिए वो घर आ जाएगी हेलो काजल कहाँ है तू तेरे पापा आए थे तेरे लिए पूछने के लिए उनको झूठ बोला कि रात को मेरे साथ थी दीदी वो मैम अरे मैं क्या कर रही है कहाँ है किसके साथ है अरे चुप क्यों है कुछ बोल ना अच्छा छोड़े सब सुन जहाँ पे भी है जल्दी से घर पहुँच वरना फिर से तेरे पापा आएंगे पूछने के लिए सर आपने मेरी 50% सैलरी काट ली ये देखिए मुझे मैसेज आया है गनीमत समझो कि हमने तुम्हारी जॉब रिटेन कर दी है तुम मालूम है ना स्टाफ में हमने कितने सारे डिलीवरी गर्ल्स को नौकरी से निकाला है सर लेकिन ये आधी सैलरी प्लीज यार शाम को बात करते हैं ना ऑफिस से फ्री होने के बाद देखते हैं और मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ अरे पिंटू रुक तो दो दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं आना मुझे नहीं लेनी कोई क्लास अरे नहीं डरते नहीं तेरे लिए पिज्जा ही नहीं तेरे लिए डोनेट ही मंगा के रखता हूं नहीं मुझे नहीं खाना अरे नहीं मुझे नहीं खाना नहीं मुझे नहीं खाना अच्छा बच्चा है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना पिज्जा नहीं मुझे नहीं
सर सर बेडरूम में भी सामान बिखरा पड़ा है और कबर्ड भी खाली है, मतलब लूट हुई है। शायद लड़की के साथ रेप भी हुआ है। पता करो लड़की की फैमिली में कौन कौन है। यस सर। सर सर ये इनके पड़ोसी हैं, इन्होंने हमें फ़ोन किया था। इनका कहना है कि कल रात को इनकी बेटी भी यहाँ पे थी। सर वो रितिका के हस्बैंड ज्ञान की जब नाइट ड्यूटी होती थी तो मेरी बेटी काजल यहाँ रितिका के यहाँ रुक जाया करती थी सर, और कल रात को मेरी बेटी काजल यहीं रुकी थी और मैं सुबह आया सर तो रितिका की लाश और मेरी बेटी भी नहीं मिल रही है सर। रितिका का हस्बैंड ज्ञान इस वक्त कहाँ है? ये सब देखने के बाद सर मैंने वो रितिका के हस्बैंड ज्ञान को फोन किया था सर, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। रितिका और ज्ञान की फैमिली में और कौन कौन है? सर वो रितिका और ज्ञान के पेरेंट्स तो सर काफी पहले गुजर गए थे, वो दोनों यहाँ अकेले रहते हैं सर। मुझे तो मेरी बेटी काजल की बहुत चिंता हो रही है सर, कहीं उसके साथ भी उसका भी फोन बंद आ रहा है सर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप हमें काजल और रितिका के हस्बैंड ज्ञान इन दोनों का फोन नंबर दीजिए। जी 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 सर। मानशु घर का एक कोना छान मारो, कोई ना कोई क्लू मिलना चाहिए। यस सर। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छा किया सारांश आपने। हर्ष मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूँ? साक्षी एक कप मेरे लिए भी बना ला मास्टर जी, शायद मैं भी चाय पी लूंगा। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा। बढ़िया, चलो। साक्षी जी वो मुझे भी चलना होगा, थोड़ा सा लेट हो गया। आप सारांश को मैंने होमवर्क करवा दिया है, आप देख लीजिएगा। नमस्ते, आते रहिए। बेटा होमवर्क हो गया? देखो हम आपके लिए क्या लाए, चॉकलेट। अब जाओ बाकी का होमवर्क भी करो और मजे से चॉकलेट खाओ, जाओ शाबाश, जा जाओ। साक्षी साक्षी देखो भले मेरे छोटे भाई को गुजरे एक साल हो गया, लेकिन तुम हमसे जायदाद का बंटवारा करके ऐसे अलग हो जाओ ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसका उपाय हमने सोचा है। देखो हम सोच रहे थे कि हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवा दें। जी जी अभी कैसी बात? देखो गोल गोल बात करके कोई फायदा नहीं, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुम उससे शादी कर लो, कानून भले मंजूरी ना दे लेकिन अपना समाज तो आखिर दे ही देता है, शादी कर लेते। मतलब मेरे रहते हुए मेरी देवरानी से भी शादी करोगे? देखिए ऐसा बिल। साक्षी कर लो शादी, हम बांट लेंगे संतोष जी को तुमसे। आप लोग ये कैसी बकवास कर रहे हैं? मुझे इस घर में हिस्सा ना मिले इसके लिए आप लोग इस हद तक गिर सकते हैं? चले जाइए यहाँ से, और बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द जायदाद का हिस्सा हो जाए। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर डॉक्टर्स का कहना है कि रितिका की हत्या गला दबा के की गई थी। लेकिन रितिका के पेट पे तो जख्म था ना? जी सर, सर रितिका को गला दबा के मारने के बाद उसकी बॉडी पे चाकू से वार किया गया था। रिपोर्ट रेप कंफर्म करती है? हाँ सर, लेकिन सर रितिका की रिपोर्ट में रेपिस्ट के सीमेन सैंपल्स नहीं मिले, शायद उसने प्रोटेक्शन यूज किया होगा। सर रितिका का हस्बैंड ज्ञान डीजी नोवा में काम करता था, मर्डर वाली रात को ज्ञान नाइट ड्यूटी पे नहीं था। What? ज्ञान नाइट ड्यूटी पे नहीं था? नहीं सर। लेकिन काजल के फादर महेश का तो कहना है कि उनकी बेटी काजल रितिका के घर पे तभी रुकती थी जब रितिका का हस्बैंड ज्ञान नाइट ड्यूटी पर होता था। अगर ज्ञान नाइट ड्यूटी पर नहीं था तो फिर कहाँ था? पर सर ज्ञान के एक दोस्त का पता चला है, प्रकाश नाम है उसका। इस प्रकाश का भी ज्ञान और रितिका के घर पे काफी आना जाना था। प्रकाश को बोला? यस सर। और रितिका डिलीवरी कर थी ना? जी सर। उसके वर्क प्लेस पे पूछताछ करो उसके बारे में। ओके सर। हाँ सर, ज्ञान के घर मेरा आना जाना था लेकिन मैं कई दिनों से उससे मिलने नहीं गया। ज्ञान रितिका की हत्या वाली रात से ही गायब है, ज्ञान और रितिका के बीच रिश्ता कैसा था? सर सब ठीक ही था, लेकिन रितिका भाभी डिलीवरी गर्ल थी और ज्ञान को ये पसंद नहीं था कि वो ये जॉब करे। अच्छा, ज्ञान और रितिका के पड़ोस में एक लड़की रहती थी काजल, जानते हो उसको? काजल? हाँ सर, रितिका भाभी तो उसको अपनी बहन जैसा मानती थी। दीदी अब इतना भी गुस्सा क्या करना, अब थोड़ी बहुत दारू शारू तो सभी पी लेते हैं। अच्छा
कल जब तेरी शादी होगी और तेरा पति ऐसे नशे में आके तुझे मारेगा ना, तब पता चलेगा। रितिका अभी बोल रहा हूँ ना, सॉरी, अभी जाने दो ना। जीजू क्या रुकी सुखी सॉरी बोल रहे हैं? गिफ्ट गिफ्ट तो बनता है ना? हाँ हाँ गिफ्ट तो बनता है, गिफ्ट तो बनता है। ठीक है ना, दिया एक एक सोने की चेन। सोने की चेन? दीदी हंसी, मतलब बात बन गई। अब जीजू मेरे लिए क्या? ठीक है, तुझको भी दिया एक सोने की चेन। अभी खुश खुश चलो मैं आता हूँ अभी। हाँ ये सब बताकर तुम कहना क्या चाहते हो कि ज्ञान का अफेयर चल रहा था काजल के साथ? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब से पता चला है कि ज्ञान और काजल गायब हैं, आस पड़ोस में यही सब बातें चल रही हैं। सर फिलहाल तुम जा सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। ओके सर। सर ज्ञान और काजल के बीच में अफेयर का एंगल तो दिख रहा है। अक्सर केस जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और रितिका का कत्ल जिस ढंग से किया गया काफी अजीब है। पहले रितिका का रेप किया गया, फिर गला दबा कर उसको मारा गया, और फिर मरी हुई रितिका के ऊपर चाकू से वार किए गए। एक मिनट सर। बोलो अभिषेक। सर रितिका की कंपनी के मैनेजर से जुड़ी कुछ बातें पता चली। कैसी बातें? सर मुझे पता है मेरे कैरेक्टर के बारे में। सर मैंने आज तक किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा है। तुम्हारे बारे में पता किया है और मालूम चला है कि रितिका के मर्डर से 3 दिन पहले तुम्हारा रितिका के साथ में झगड़ा हुआ था। आप क्या सोचते हैं कि 50% सैलरी पे जॉब पे रखकर आप मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं? रितिका मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन ऊपर डाली है, अगले महीने से तुम्हें पूरी सैलरी मिल जाएगी यार। यू नो देखो मैंने तुम्हारी सिर्फ जॉब ही नहीं बचाई यार, तुम्हें इंक्रीमेंट भी दिलवा रहा हूं। डोंट वरी प्लीज। मैं आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे से जानती हूं। आपने इतने सारे जरूरतमंद लोगों को जॉब से निकाल दिया, सबको वापस रखे, वरना मैं आपकी ऐसी कंप्लेन करूंगी कि आपकी खुद की जॉब चली जाएगी। ये हायर अथॉरिटीज का डिसीजन था, इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, और रितिका ने सर बिना बात में इस बात का बतंगड़ बना दिया। तुम्हारा पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुमने 1 साल पहले एक फूड वैन वाले को अपने गुंडों से पिटवाया था, क्या पता रितिका से बदला लेने की भी कोई बड़ी वजह हो तुम्हारी, और इसीलिए तुमने अपने गुंडे भेजकर रितिका को मरवा दिया। सर आप बिना किसी सबूत के मुझे परेशान नहीं कर सकते। चिंता मत करो, सबूत भी ढूंढ लेंगे, पर ये शहर छोड़कर भागना मत, अभी जा सकते हो। उस मैनेजर के अलावा हमें केस के दूसरे पहलुओं पर भी रोशनी डालनी होगी। रितिका एक डिलीवरी गर्ल थी, रोजाना उसका कई जगह पर आना जाना होता होगा, कई तरह के लोगों से उसका सामना होता होगा। अभी रिसेंटली दिल्ली में केस आया था जहां पर एक कस्टमर ने एक डिलीवरी बॉय का मर्डर कर दिया था। पिछले 1 महीने में रितिका ने जहां जहां डिलीवरी की उन सबकी लिस्ट बनाओ, डिटेल्स निकालो। ओके सर। हाय मंचू। सर ज्ञान और काजल की सीडिया रिपोर्ट। जिस दिन रितिका की हत्या हुई थी उस रात को करीब 12 बजे के बाद ज्ञान के घर वाले एरिया में दोनों के फोन बंद हुए थे। तो क्या जिस रात को रितिका का मर्डर हुआ उस रात को काजल और ज्ञान वहीं पर मौजूद थे? क्या यूं कहें कि काजल और ज्ञान ही रितिका का मर्डर करके भाग गए? सर फिलहाल तो ज्ञान और काजल के बारे में कहीं से कोई लीड नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ सर काजल के CDR में एक नंबर मिला है, और सर ये नंबर हत्या के अगले दिन से बंद है। किसका नंबर है? शिवम जी ये देखिए, कैसे आपका भाई मेरे छोटे भाई की विधवा के साथ इश्क ला रहा है, डेटिंग कर रहा है। देखिए हर्ष तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ऑलरेडी रिश्ता पक्का हो चुका है। लेकिन भाई साहब ये चुप रहो, आज के बाद अगर इस विधवा औरत के साथ तुम्हें फिर से कभी देखा। वाह 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 क्या बात कही है भाई साहब, छोटा भाई छोटा बड़ा भाई भी माशाल्लाह। अरे ये उसके साथ सुहागरात भी मना चुका है और आप कह रहे हैं दूर हो जाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हर्ष तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा क्या कहना चाहते हो तुम? कह रहे हैं यही है कि आप हर्ष की शादी साक्षी से करवा दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि ये जो फोटोज मैंने आपको दिखाया ना, ये मैं हर्ष की होने वाली पत्नी को दिखा दूंगा। ये समीर है, ये आपकी बेटी काजल को दिन में कम से कम 10 बार फोन करता था, और इसका मोबाइल फोन तब से ही बंद है जब से काजल गायब है। जानते हैं आप इसको? जी नहीं सर, मैं तो इसे नहीं जानता। इस समीर के दोस्तों का कहना है कि समीर का आपकी बेटी काजल के साथ अफेयर चल रहा था और अब ये गायब है। आपका कहना है कि आप इसको नहीं जानते, आपने कभी इसको काजल के साथ नहीं देखा, जबकि रितिका के पड़ोसियों का कहना है कि समीर का काफी आना जाना था रितिका के घर, और वो भी तब जब काजल वहां पर मौजूद होती थी। हाय दीदी। हाय काजल। समीर अरे अंदर तो लेके चल, आपके दरवाजे पे रखेगी इसे। हाँ सर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि रितिका मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही थी और आप अपनी बेटी काजल की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं जबकि काजल शादी के लिए तैयार ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आप रितिका के घर गए, आपने समीर को काजल के साथ देखा, आप आपा खो बैठे, आपने रितिका का मर्डर कर दिया, समीर वहां से भाग गया और उसके बाद आपने अपनी बेटी काजल को कहीं छुपा दिया और फिर ज्ञान। सर सर आप भी क्या बकवास कर रहे हैं सर, बकवास। हाँ हिमांशु। सर फॉरेंसिक टीम ने रितिका के घर से जो ब्लड के सैंपल्स लिए थे उनकी जांच से पता चला है कि रितिका के अलावा दो और लोगों के ब्लड के ट्रेसेस थे। What? और सर उन दो लोगों के ब्लड के ट्रेसेस रितिका के घर की सीढ़ियों के पास में मिले थे जिन्हें मिटाया गया था। रितिका की लाश हमें यहाँ मिली ड्राइंग रूम में। और सर फॉरेंसिक के हिसाब से जो दो अनजान लोगों के ब्लड के ट्रेसेस मिले थे वो यहाँ मिले थे सीढ़ियों के पास। यस सर। जिनको मिटाया गया और यहाँ से लेकर घर के मेन रोड तक हमें कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले और ना ही घर के बाहर, मतलब पूरे घर को अच्छे से स्कैन करो, एक एक चीज एक एक कोना, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। क्विक एक्ट फास्ट। यस सर। अभिषेक टंकी में चेक कर। सर बॉडीज को बाहर निकालो क्विक बस। सर सर ये तो ज्ञान और काजल की बॉडीज हैं जिन्हें अब तक हम इस केस के प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, ये टंकियां पहले क्यों नहीं चेक की गई? सॉरी सर। सॉरी। घर में तीन मर्डर हुए, एक की बॉडी को वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ दिया और दो की बॉडीज को टंकी में ला के डाला। ये क्रिमिनल साबित क्या करना चाहता है? सर सर ये तीन मोबाइल मिले हैं। सर तीन मोबाइल मिले हैं इसका मतलब ज्ञान काजल और रितिका के मोबाइल हो सकते हैं। क्रिमिनल घर से हर कीमती सामान चुरा कर लेकर गया लेकिन तीन मोबाइल फोन उसने पानी की टंकी में डाल दिए। आई एम श्योर क्रिमिनल कोई शातिर गेम खेल रहा है हमारे साथ। अरे मुबारक हो भाई, बेटा लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। हाँ हाँ दूल्हे राजा मन में लड्डू फूट रहे, खा भी लो तुम। हाँ साक्षी हाँ तुम भी खाओ, मुंह मीठा करो, चलो चलो चलो। हाँ हाँ खाओ, लो लो लो। हाँ तुमने हमेशा हमें गलत समझा, हाँ लेकिन हमने तुम्हारा घर बसा दिया आखिर। संतोष भैया हाँ इस बात के लिए मैं हमेशा आपका एहसान मंद रहूंगा। अरे छोटी सी बात ही, जाऊँ साक्षी चले आप। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। ख्याल रखना। हाँ सारांश चले बेटा अपने हर्ष पापा के घर। अरे साक्षी वो सारांश को इस नए रिश्ते में मत पीसो। पीसो मतलब? सारांश तुम्हारा मनपसंद पेड़ा वो अंदर रखा है, चल चल खाओ। चलो। हाँ और मेरे लिए भी लाना। हाँ साक्षी दरअसल बात यह है कि वो हर्ष के भैया ने शर्त रखी थी कि वो तुम्हें अपनाएंगे लेकिन तुम्हारे बेटे को नहीं अपनाएंगे, तो हम क्या करते बताओ? साक्षी वो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं भैया से बात कर लूँगा, वो अपना लेंगे सारांश को। अब देखभाल तो हम बहुत अच्छे से करेंगे सारांश की, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। साक्षी फिलहाल हमें चलना चाहिए। हाँ चल चल चलते। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, चिंता रहेगी हमें। हाँ फोन कर लो। खुश रहो। चल सर इस समीर के नेटिव एड्रेस का भी पता चल गया है, ये रुड़की का रहने वाला है लेकिन सर वहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कि ये समीर आखिर गायब कहाँ हो गया। ये समीर इस केस की अहम कड़ी है, कैसे भी करके पता लगाओ इसका। ओके सर। सर ज्ञान और काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान और काजल की हत्या भी गला दबा के की गई थी। एक बात और सर, रितिका की तरह ही काजल के साथ भी रेप किया गया था। इस केस के मोटिव को जितना समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इन तीनों के मर्डर का अहम हमें उतना ही उलझा रहा है। आखिर क्रिमिनल है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस केस के तारिक ऐसे क्रिमिनल से जुड़े हैं जब तक हमारी नजर में ही नहीं आया। साक्षी भाई साहब प्रणाम। बस बस तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है,
भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? आप भी तो इस शादी के लिए तैयार हुए थे। देख भाई, तुम दोनों को शादीशुदा जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इस सौरभ के साथ तुम इस घर में हरगिज नहीं रह सकते। भाई साहब ऐसे कैसे नहीं रह सकता, इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है, आप मुझे रोक नहीं सकते। चलो साक्षी। ए, मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर। चल निकल निकल यहां से, निकल। भाई साहब, साक्षी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि भाई साहब ऐसा करेंगे। लेकिन अब हम जाएंगे कहां? सर, सर ज्ञान, काजल, ऋतिका, इन तीनों के फोन का डाटा रिट्रीव हो गया है। सर ज्ञान और काजल के फोन में तो कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन ऋतिका के फोन में कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस मिले हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी चाइल्ड लेबर्स हैं। सर इसमें एक रेस्टोरेंट के किचन का वीडियो भी है। आखिर ये वीडियोस किस मकसद से बनाए गए होंगे? और ये वाला वीडियो तो किसी घर का लग रहा है। वीडियोस का इस केस के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? मानशु, रितिका के डिजिटल फुटप्रिंट्स निकालो और पता करो कि ये वीडियोस किस लोकेशन में बनाए गए हैं और इन बच्चों के साथ रितिका का क्या कनेक्शन था। यार इस सेमेस्टर में तो मैंने बहुत लो परफॉर्म किए हैं। लो 70% मिले तुझे, मुझे तो आज तक किसी क्लास में 60% भी नहीं मिले। अरे तू ट्राई करना, तू 90% तक स्कोर कर सकती है। छोड़ना ही पढ़ाई वढ़ाई की बात, मेरे घर चल, घर पे कोई नहीं है, तुझे कॉफी पिलाती हूँ। अरे भाई मेरे तो हाथ दुख गए इसको भेटते भेटते। ले तू ही भेटा भी से, बहुत अच्छा कॉफी पिलाया। सारा दिमाग पढ़ाई में लगाता है, थोड़ा सा कॉफी बनाने में लगा ले। अच्छा तू सिखाएगी मुझे कैसे कॉफी बनाना है? तू क्यों इतनी सुस्ती दिखा रहा है, थोड़ी तो एनर्जी दिखा। सारांश बेटा कैसे हो तुम? अब आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप तो मेरे को छोड़ के चली गई थी ना। बेटा ये क्या बोल रहे हो? सच तो बोल रहा है। क्या सिखा दिया आप दोनों ने मेरे बेटे को? वही सिखाया जो सच है। सच? वैसे तुम दोनों क्यों आए हो? वो मेरे भाई साहब ने हमें अपनाने से मना कर दिया तो हम यहाँ आ गए। ए भाई कान खुलकर सुन लो, साक्षी का इस घर पर कोई हक नहीं है, समझ गए? अब निकलो। अच्छा तो ये आपकी सोची समझी साजिश थी, पहले आपने मेरी शादी हर्ष से करवाई और अब मेरा ही बच्चा मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नहीं, क्या बात तुम्हें जी है, कोई दादागिरी नहीं चलेगी तुम्हारी। क्या कर रही है हर्ष? तुम रुको मैं पुलिस को फोन। अरे पुलिस को फोन करो, मैं तो चाहती हूं पुलिस को बोल दो। पुलिस को आने दे, वो डिसाइड करेगी कि अंदर रहेगी बाहर रहेगी, वो डिसाइड करेगी, आने दो। ओके सर, सर रितिका के मोबाइल में मिले एक वीडियो की लोकेशन के बारे में पता चला है। सर वो वीडियो ग्रीन रूट्स नाम के एक रेस्टोरेंट के किचन का वीडियो था और इस रेस्टोरेंट का रितिका की फूड डिलीवरी कंपनी से टाई अप भी है। उस रेस्टोरेंट में काफी अनहाइजेनिक तरीके से खाना बनाया जाता है और सर उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम है कैलाश सैनी। सर गौर करने वाली बात यह है कि ये कैलाश रितिका से फोन पर रेगुलर टच में रहता था। कैलाश की हिस्ट्री निकालो और रितिका के मैनेजर को बुलाओ। सर अबे जोगेश ये किसको ले आया तू? लड़का है मेरा, तुमने कहा था ना काम पे रखने के लिए, बड़े सस्ते में छूट रहा है तू, ये क्या काम करेगा मेरे लिए? इसकी उम्र पे मत जाइए, धीमे धीमे सब सीख जाएगा। अच्छा चल देखते हैं क्या सीखता है। चलो ए, हा। ये साक्षी, साक्षी ने खुद इस लड़के से शादी करने के लिए अपने बेटे को हमें गोद दे दिया, बस यही मामला है सर। सर इन लोगों ने ना मेरे बेटे को बेकार दिया है और ये लोग नहीं चाहते कि मैं अब इस घर में रहूं। क्या सर ये अपनी मर्जी से शादी करके गई थी इस लड़के के साथ, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर में। नहीं है। सर मैं बताता हूँ, ये घर साक्षी के ससुर साहब के नाम पर है, इस हिसाब से इसके पहले वाले पति का भी हक है और इसका भी। मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं जाएंगे हम, इसका भी पूरा हक है इस घर पर। दादागिरी हम जाएंगे, उतना किसी का हक नहीं है, कानून हमको ही पता है, ऐसे कैसे चलेगा। लड़ाई झगड़ा बंद करो और घर की बातों को घर में ही सुलझा लो, और नहीं सुलझा सकते तो कोर्ट में जाओ, लेकिन तुम लोग इसको इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते, समझे? अब बंद करो ये तमाशा।
सर कैलाश का रेस्टोरेंट हमारी कंपनी के साथ टाई अप था। अब सर वो रितिका को कॉल क्यों करता था ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? तुझे बातें छुपाने का बहुत शौक है ना अभिषेक, इंटरोगेशन रूम में लेके चलो। सर 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 कैलाश बहुत खतरनाक आदमी सर, मैंने कुछ भी बोला तो अगर तू नहीं बोला ना कुछ तो तेरे शरीर में एक भी साबुत हड्डी नहीं बचेगी। सर रितिका ने कैलाश के रेस्टोरेंट किचन की एक वीडियो क्लिप बना ली और सर ज्योति नगर थाने में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी कि वो लोग अनहाइजेनिक तरीके से खाना बनाते हैं। सर कैलाश की बहुत चलती थी उस थाने में, इसी कारण रितिका की कंप्लेंट वापस हो गई। देख रितिका, तू इन सब पचड़ों में मत पड़, तुझे मालूम नहीं कि कैलाश कितना खतरनाक आदमी है, तेरे लिए बेटर यही होगा कि तू इन सब चीज़ों से दूर रहे यार। लेकिन सर वो मानने को तैयार ही नहीं थी, कह रही थी कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएगी। ले ओए, और इस पते पे ये पार्सल छोड़ गया। क्या है क्या इसमें? अबे तेरे बाप का बाप हूं मैं, सवाल मत पूछा कर, समझा? छोड़ कर आ, चल। सर साइबर सेल वालों ने रितिका की डिजिटल फुटप्रिंटिंग की है, उससे मालूम चला है कि रितिका एक उजागर नाम के फॉरम से जुड़ी हुई थी और ये फॉरम रितिका और काजल ने अपने ग्रुप के कुछ लड़कियों के साथ मिलकर बनाया था। सर ये लड़कियाँ बच्चों और औरतों पर होने वाले हैरेसमेंट और क्राइम्स को लेकर लिखती थी। एक बात और सर, रितिका ने ग्रीन रूट्स रेस्टोरेंट के मालिक कैलाश सैनी के खिलाफ भी काफ़ी कुछ लिखा था। देखिए इंस्पेक्टर, रितिका के कुछ भी कह देने से ये साबित नहीं हो जाता कि मेरे रेस्टोरेंट में अनहाइजेनिक तरीके से खाना बनता है। लेकिन इससे तेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन तो खराब हो रही थी ना, और इसी बात का बदला लिया तूने रितिका के साथ। आप लोगों के पास कोई सबूत है? अगर आप लोगों ने मुझे ज़्यादा हरेस किया ना तो मैं आपकी वर्दियाँ भी उतरवा सकता हूँ। तू क्या कर सकता है ये बाद में देखेंगे, पहले तुझे हम ये दिखाते हैं कि हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। उजागर फोरम पे रितिका ने जिन जिन मुद्दों की बात की थी उन सबकी डिटेल निकालो और उस फोरम पे जुड़ी बाकी औरतों का भी पता करो, मिलो सबसे। यस सर। समीर की क्या अपडेट है? सर हमने उसके नेटिव एड्रेस पे नजर बनाए रखी है, हमारी पूरी कोशिश जारी है। सिर्फ कोशिश नहीं, आई वॉन्ट रिजल्ट। यस सर। देखते ही इस केस में संदिग्धों की एक लंबी फेहरिस्त खड़ी हो गई थी। अब तक सामने आया हर शख्स रितिका की संघर्ष भरी जिंदगी का एक रहस्यमय किरदार नजर आ रहा था, लेकिन हत्या काजल की और रितिका के पति ज्ञान की भी हुई थी। इन हत्याओं का मोटिव काजल और ज्ञान से जुड़ा भी तो हो सकता था, लेकिन पुलिस की जाँच सिर्फ रितिका में ही सिमट के रह गई थी। क्या पुलिस वाकई सही दिशा में काम कर रही थी? जल्द ही ये केस इतने बहुमुखी रूप लेने वाला था जो इस केस को और भी पेचीदा बनाने वाला था। कितने पैसे निकाले भाई तूने इसमें से? मैं चोर नहीं हूँ। क्या बात है, बड़े तेवर हैं तुझ में है? चल इसी बात पर तुझे दही बल्ले खिलाता हूँ, आजा। नहीं खाने, मेरी तनख्वाह कब मिलेगी? अबे तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं? तू बंधुआ है बंधुआ, और बंधुआ मजदूर की कोई तनख्वाह नहीं होती। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। अबे तेरा बाप ना बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बड़ा। उसने ना तुझसे सारे नाते तोड़ लिए, और उसने क्या बताया तुझे कि तेरी माँ को मरे हुए 15 दिन हो गए हैं। क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। किन लोगों से जान बचा के भागा था? सर उन्हीं लोगों से जिन्होंने रितिका दीदी और काजल का मर्डर किया। कौन लोग हैं वो? सर मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने ही रितिका दीदी और काजल को फोरम बनाने में टेक्निकल सपोर्ट दिया था,
जिन पर वो इन गर्म मुद्दों को लाती थी। सर जैसे ही मुझे पता चला कि रितिका दीदी और काजल का मर्डर हो गया है तो मैं डर गया था। काजल की लाश में काफी बाद में मिली थी, तुझे कैसे पता चला कि रितिका के साथ काजल का भी मर्डर हुआ है और रितिका के हस्बैंड ज्ञान का भी? कहानी बना रहे ना तू? सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा सर, लेकिन हाँ सर, रितिका दीदी ने हत्या से पहले मुझे एक वीडियो और कुछ सबूत भेजे थे जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इस वीडियो के साथ मैं सारे सबूत भेज रही हूँ ताकि अगर कल को मैं ना रहूं तो तुम इस वीडियो के जरिए दुनिया को सच बता सको। सर वो प्रूफ काफी सेंसिटिव थे इसलिए रितिका दीदी ने उन्हें फोरम में नहीं डाला। क्या प्रूफ है? हटिए पीछे हटिए। लड़की के कपड़े फटे हुए हैं, उसके साथ रेप हुआ है, पूरा घर भी अस्त व्यस्त है, घर में लूटपाट भी हुई है। सर इस औरत और इस आदमी को मैं जानता हूँ। इस औरत का नाम साक्षी है, इसका अपने जेठ और जेठानी के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। कैसा झगड़ा? हाँ अभिषेक। सर वो आदमी रोहन मल्होत्रा, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। देखिए सर, हम मानते हैं कि हमारे और साक्षी के बीच में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था। देखिए मुझे एक मिनट, सर हर्ष का बड़ा भाई शिवम गायब है, उसका मोबाइल भी बंद है और घर भी। हर्ष का अपने भाई से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्ष और साक्षी की मौत के पीछे शिवम का हाथ हो? सर उस रोहन मल्होत्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने उसका लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। रोहन मल्होत्रा भले ही गायब है, लेकिन जिस तरह से तीनों मर्डर हुए हैं उसमें सिर्फ रितिका ही नहीं बल्कि काजल और ज्ञान का एंगल भी हो सकता है। मांशु एक बार मोहल्ले में फिर से अच्छे से पूछताछ करो। रितिका काजल और ज्ञान की हत्या के अलावा हर्ष और साक्षी मर्डर केस भी कई चुनौतियों से भरा हुआ था। एक केस में रोशन मल्होत्रा गायब था तो दूसरे केस में हर्ष का भाई शिवम गायब था, लेकिन इन दोनों केसेस की जांच अलग अलग पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन इन दोनों की केसेस के मोटिव एक दूसरे से एकदम अलग थे। और अब एक ऐसा पहलू सामने आने वाला था जो इस केस का पैमाना और भी बड़ा करने वाला था। ठीक है सर, सर पूछताछ से एक बात सामने आई है। रितिका ज्ञान और काजल के मर्डर से कुछ दिन पहले एक नए दूध वाले को रितिका के घर के पास में देखा गया था, और अब वो गायब है। सर एक दिन सुबह मैं रितिका के घर गया था तो मैंने रितिका को एक दूध वाले से दूध लेते हुए देखा था, लेकिन सर बाद में पता चला कि पुराना दूध वाला तो उस आदमी को जानता तक नहीं था। स्केच बनवा सकते हो उस दूध वाले का? जी जी बिल्कुल बनवा सकता हूँ सर। सर स्केच रेडी है, इस स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो क्विक। यस सर। सर जिस दिन रोहन मल्होत्रा गायब हुआ था मैंने उस दिन की जयपुर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई थी, उसके बाद मैंने टिकट रिजर्वेशन डाटा चेक किया। सर उसने गंगापुर जाने के लिए एक ट्रेन में टिकट बुक करवाया था। तो फिर वो गंगापुर या गंगापुर के आसपास के इलाके में कहीं हो सकता है, पता करो गंगापुर या उसके आसपास के इलाके में उसके कोई जानने वाला रहता है क्या जहाँ वो छिप सकता है, और गंगापुर पुलिस को अलर्ट भेजो। ओके सर। सर एनसीबी के डाटा में इस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है। सर इसका नाम मंगू है, चोरी केस में अंदर जा चुका है, और सर ये मंगू धंजू नाम के हिस्ट्री शीटर के भी टच में था, काफी वक्त से दोनों फरार हैं। सर ये है धंजू। जिस तरह से तीन तीन मर्डर हुए वो किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। एक काम करो, ये जो हिस्ट्री शीट है धंजू है इसकी डिटेल्स निकालो, हो सकता है इसके थ्रू में कोई क्लू मिल जाए। यस सर। चला ले मेरा इक्का। आज तो बेटा मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे मंगू आ गया, क्या बात है, दारू दारू है, बहुत बढ़िया। अरे मंगू इतनी दारू पिएगा तो मर जाएगा रे, हालत देख तेरी। अरे मरना ही तो है एक दिन सबको। चल धंजू पैक बना एक बढ़िया सा। जिया। सर आप मंगू नाम के जिस आदमी की तलाश कर रहे हैं, हम एक डबल मर्डर केस में इस क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं। साक्षी और हर्ष के मर्डर से पहले ये वहां पर इलेक्ट्रीशियन बनकर गया था। तुम्हारे केस में इलेक्ट्रीशियन?
और हमारे केस में दूध वाला, लेकिन दोनों ही केसेस में एमओ सेम है। तुम्हारे केस में भी जोड़े को गला दबाकर मारा गया और मारने से पहले जो लेडी विक्टिम थी उसके साथ रेप किया गया, घर में लूट भी हुई, और हमारे केस में भी तीनों मर्डर गला दबाकर ही किए गए। और जो हमारे केस में दो लेडी विक्टिम थी उनके साथ भी मारने से पहले रेप किया गया और घर में लूट भी हुई। हालांकि एक लेडी विक्टिम को मारने के बाद चाकू से वार भी किए गए। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि दोनों केसेस में क्रिमिनल एक ही हो। एनीवे, थैंक यू राजेश। सर, सर रोहन मल्होत्रा को गंगापुर के एक एरिया में स्पॉट किया गया है। अरे मैं बता रहा हूँ, अब मैं जानता हूँ वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया साहब। इतने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, और बोल रहा है तूने कुछ नहीं किया। साहब वो क्या है ना, वो मैं अपनी लत से परेशान हूँ साहब, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, आज तक किसी का मर्डर नहीं किया। अरे साहब, इस मल्होत्रा को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। सर मैंने धंजू नाम के क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग की। इसका पूरा नाम धनंजय, पर यह बाल सुधार गृह भी जा चुका, पर एक सरताज नामक के ड्रग पेडलर के साथ काम करता था, पर ये सरताज कई सालों से जेल में से। इस सरताज से हमें धनंजय और धंजू की लीक मिल सकती है। मिलते हैं इस सरताज से। मानता हूँ सर, धनंजय पहले मेरे लिए ही काम किया करता था, और इस पते पे ये पार्सल छोड़ गया। क्या है क्या इसमें? पर वो कहाँ है, किसके लिए काम करता है, मैं नहीं जानता। ये दोस्त है धनंजय का, जानता है इसको? नहीं सर, इस लड़के को मैंने कभी भी धनंजय के साथ में नहीं देखा, पर एक लड़का था जो हमेशा धनंजय के साथ में रहा करता था, और हो सकता है वही उसका क्राइम पार्टनर भी हो। कौन है वो? और मंगू पिछली बार की तरह गलती मत करना। हाँ पुलिस, नहीं भाग, भाग ना, नहीं नहीं, चलो जा, चलो। सबकी जड़ मेरा बाप है सब, और वो गुड्डी बहुत कमीनी है साहब, उसके बाप ने मुझे झूठे केस में अंदर डलवा दिया था। लेकिन उसने पुलिस के सामने मेरा सपोर्ट तक नहीं किया साहब, साली गुड्डी की वजह से मैं अरेस्ट हुआ था। कौन गुड्डी? वो आपकी रितिका, उसका घर का नाम गुड्डी है। गुड्डी से बहुत पुरानी नफरत है साहब मेरी, जब गुनेगारों ने मुझे गुनेगार बना दिया था तो मैंने सबसे पहले गुड्डी को ढूंढा, पता चला कि वो अपने पति के साथ रहती है, फिर मैंने मंगू को नकली दूध वाला बना करके रेकी करवाई, और फिर पहुंच गए उसके घर पर। तुम ये कहां घुस जा रहे हो? तेरा धनंजय कॉफी में फेंट मारते मारते पीटा गया था ना, अगर मैं पढ़ता ना तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता, पर तू क्या बनी? साली डिलीवरी गर्ल। तूने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि पुलिस को बता सके कि तेरा बाप गलत था, मैं नहीं। हा? क्या किया था तेरे साथ गलत मैंने, बोलना। धनंजय उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मैं डर गई थी धनंजय, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो ना, मुझे
छोड़ दो ना, मेरा प्यार देखा था, अब मेरे अंदर का जानवर देख। रितिका को तूने गला दबा के मारा, फिर मारने के बाद उसके पेट पे चाकू से वार क्यों किए? उससे अपनी पर्सनल दुश्मनी थी, तो सबसे पहले मैंने उसका गला दबा दिया, और आप लोगों को भटका सकूं इस वजह से चाकू से चार बार गोद दिया मैंने। काजल और ज्ञान की लाशों को पानी की टंकियों में क्यों डाला? जिससे कि आपका उनके ऊपर शक चला जाए और आप उन्हें ढूंढते रहें और हम लोगों को भागने का मौका मिल जाए। मिल गया भागने का मौका, बच गया तू। ये बता साक्षी और उसके पति हर्ष को क्यों मारा? वो रूटीन क्राइम था, सुनसान में घर, छोटी फैमिली, टारगेट इजी होता है ना, रेप करो, मारो और लूट कर भाग जाओ। चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। कुत्ता सालो। बचपन इंसानी जिंदगी की नींव होता है, और जब अपराध का साया किसी बचपन को तबाह कर देता है, तो धनंजय जैसे मासूम और होनहार बच्चे समाज के उस तलछट में खो जाते हैं जहां अक्सर अपराध ही पनपते हैं। और इसका खामियाजा सिर्फ एक इंसान या एक परिवार को भुगतना नहीं पड़ता, बल्कि इसका खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में धनंजय और उसके गैंग के नाम 20 से ज्यादा हत्या, लूट और फरेब के मामले दर्ज हुए हैं, जो किसी भी शहर की कानूनी व्यवस्था पे कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।